नमस्कार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेस। मैं रवि मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग बीएससी मैथ में मैट्रिक्स टॉपिक में थ्योरम देख रहे हैं, तो अगला थ्योरम मेरे पास है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिक्स देन सो डैट ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ऐसा हमें दिखाना है, बिल्कुल आसान है दिखाना। मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग लेट ए एंड बी आर प्रूव कर रहे हैं। Let A and B are two unitary matrices. यदि A और B दो unitary matrix है तो आप बोल सकते हैं A का transjugate is equal to A transjugate into A is equal to क्या होगा, identity from first। ये फर्स्ट हो गया, फ्रॉम फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा, जब बी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बी बी का ट्रांजुगेट जो होगा इज इक्वल टू बी ट्रांजुगेट इनटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गया टू, ठीक है। तो जैसा कि ये तो हम मान चुके हैं ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिक्स है, हमें दिखाना है ए बी और बी ए दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हम सेपरेटली दोनों को दिखाते हैं। तो पहले ए बी को दिखाते हैं, then we have to show that AB is unitary matrix। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ unitary matrix। तो AB को यदि हमें unitary matrix दिखाना है तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें दिखाना पड़ेगा ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुगेट जो है ये बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी का। तो हम लोग दिखाते हैं ए बी को, तो ए बी ही रहने देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। क्यों? तो क्योंकि ए बी का ट्रांजुगेट जो होता है बराबर होता है बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, ठीक है। ट्रांसपोज वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, आपको सिर्फ बताएं ट्रांजुगेट और यानी ट्रांसपोज में कि सिर्फ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का अंतर है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो एलिमेंट में तो वो भी ट्रांसपोज ही होता है। तो ये आपका इस तरह से हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी को ऐसा लिख सकते हैं बी बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट, और ये आपका ए और बी बी ट्रांजुगेट आइडेंटिटी हो जाएगा। ए ट्रांजुगेट कहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में आप देख चुके हैं बी ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बी बी का ट्रांजुगेट जो होता है ये आपका आइडेंटिटी होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका इधर भी हो गया ए ए ट्रांजुगेट, और ये भी आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। कहां से, तो फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से ऐसा हो गया। तो ये हम दिखा दिए कि ए बी का ट्रांजुगेट जो होता है ये आपका आइडेंटिटी होता है। इसी तरह हमें बी ए को भी दिखाना है कि ये जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इधर दिखा देते हैं हम। नाउ अब हम जब बी ए को लेके चलते हैं तो हमें ये दिखाना है बी ए इंटू बी ए का ट्रांजुगेट जो है इसे आइडेंटिटी हमें दिखाना पड़ेगा बराबर, इसे आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। तो ये इसको तो बी ए लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ए ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट फिर पहले की तरह, ठीक है, यही फॉलो किए यहाँ भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए ए ट्रांजुगेट जो है आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हो गया बी आइडेंटिटी बी ट्रांजुगेट कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से ऐसा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं बी बी का ट्रांजुगेट जो है ये भी आपको आइडेंटिटी हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में ऐसा दिया हुआ है कि बी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बी बी का ट्रांजुगेट जो होता है आइडेंटिटी होता है। तो हम दोनों के लिए दिखा दिए कि ए ए बी में भी ए बी और ए बी का ट्रांजुगेट करते हैं तो भी आइडेंटिटी आता है, और बी ए में भी बी ए बी का ट्रांजुगेट करते हैं तो भी आइडेंटिटी होता है। तो क्लियरली If A and B are two unitary matrices,
matrices, then AB and BA are also unitary matrices. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले यानी इसी में टॉपिक आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।